ये वायरल होना डिजर्व करते हैं बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी नहीं करते भाई, गलत मत लेना। फिलहाल हम हैं जी मोहाली में और हम यहाँ पे हैं आपको दिखाने बहुत ही जबरदस्त मोमोज। मैम नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं मैम? ठीक हूँ मैं सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताओ कि आप कब से लगा रहे हो मोमोज और कहाँ से हो? मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा, और हम क्या बोलते हैं, एक मंथ से लगा रहे हैं, 1 मंथ। अच्छा, तो एक मंथ से लगा रहे हैं। हिमाचल में कहाँ से हैं? सोलन से। सोलन से, अरे वाह, तो सोलन से मोहाली आके आप यहाँ पे मोमोज लगा रहे हैं। और सीखा कहाँ से आपने बनाना? ये मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके हस्बैंड से आपने सीखा और यहाँ पे आप लगाना शुरू कर दिया? वो भी लगाते हैं साथ में। बहुत बढ़िया, एक बार दिखाएंगे कौन से मोमोज हैं और कैसे लगाते हैं आप? ये हमारे वेज है। अच्छा, ये वेज मोमोज है, ये नॉन वेज। ये इधर है जी नॉन वेज, और भाई साहब देखो एकदम साफ सुथरे एकदम बढ़िया तरीके के लग रहे हैं। मैम मोमोज में जो नॉन वेज मोमोज है इसमें आप चिकन डालते हैं, मटन है? क्या है? चिकन है सर। चिकन है, और वेज में क्या है? वेज में नॉर्मल वेज है, कैबेज है, कैरेट है एंड ऑनियन। बहुत बढ़िया, और मैम इसके अलावा और क्या होता है? और हमारे पास स्प्रिंग रोल है। अच्छा, स्प्रिंग रोल्स भी है? हाँ जी। वाह, क्या बात है यार, ये देखो इधर ये स्प्रिंग रोल्स हैं। और मैम ये बॉल्स कौन सी है, ये क्या चीज है? चीज ब्रेड बॉल्स हैं। कौन सी? चीज ब्रेड बॉल्स। चीज ब्रेड बॉल्स, वाह बहुत बढ़िया। तो मैम ये कैसे सर्व करते हैं, मतलब एक प्लेटर की तरह देते हैं, प्लेट देते हैं? प्लेट देते हैं। क्या प्राइस है? नॉन वेज 60, वेज 40, स्प्रिंग रोल 40। स्प्रिंग रोल 40, हाँ जी, और चीज बॉल 50। और 50 में कितने बॉल्स देते हैं? 50 में हम 3 बॉल्स देते हैं। 3 बॉल्स, और जो स्प्रिंग रोल्स है वो? उसमें 20 के 2 पीसेस है, 40 के 4 पीसेस। एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड, उनके साथ ही हम इधर शिफ्ट हुए हैं। हस्बैंड होटल मैनेजमेंट का काम करते थे, उनके आइडिया था कि हम मोमोज का स्टॉल लगाते हैं, तो इसीलिए हमने फिर ट्राई किया और अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आपने भी होटल मैनेजमेंट करी है? नहीं सर, मैंने नहीं करी। अच्छा, आपने इसके अलावा कुछ और मतलब पढ़ाई करी है? हाँ जी, ब्यूटीशियन किया है सर। अच्छा, आपने ब्यूटीशियन का कोर्स किया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब अपना जो वो वाला इतना जबरदस्त आपकी इंडस्ट्री है वो छोड़ के आप फूड लगा रहे हैं और यहाँ पे लोगों को बढ़िया बढ़िया खाना जो है खिला रहे हैं। इन दोनों में मोमोज नॉन वेज वाले? हाँ जी नॉन वेज। बढ़िया, तो भाई साहब सबसे पहले तो ये देखो ये नॉन वेज मोमोज की प्लेट है। मोमोज का साइज देख के तो ऐसा लग रहा है की ये वाले जो मोमोज है ना ये फैक्ट्री वाले नहीं है, जो यहाँ पे आमतौर पे 1-1 रुपए में 2-2 रुपए में बिकते हैं, ये वो वाले नहीं। मैम खुद बनाए यहाँ पे? यस सर, घर पे। आपने घर पे बनाए हुए मोमोज? बहुत बढ़िया जी। ये साथ में भाई साहब चाट मसाला, और इसके साथ इधर आ गई जी ये चटनी। और मैम मोमोज की चटनी बड़ी गाढ़ी वाली आपकी है ना? ये टमाटो है। ये आ गया जी टमाटो। अच्छा, ये टमाटो केचप है? नहीं, ये टमाटो की है जी। और ये पीनट्स है? अच्छा, एक टमेटोज वाली चटनी है, एक पीनट्स वाली चटनी है, और एक मेयोनीज है, और इसके साथ ये आ गई जी केचप। आपके हस्बैंड की होटल मैनेजमेंट जो है ना वो सॉसेस में नजर आ रही है, है ना? बहुत बढ़िया मैम। ये कितने की प्लेट है? ये आपकी 30 की है। जबरदस्त, और ये किस चीज की प्लेट लग रही है? ये वेज मोमोज। ये लग रही है जी वेज मोमोज की प्लेट। और भाई साहब जो है वो पूरी अब स्पीड से लगा रहे हैं प्लेट्स के। भाई साहब फटाफट से दिखाते हैं कि कौन कौन से मोमोज और कैसे कैसे हैं। ये देखो ये वेज वाले मोमोज हैं, एकदम बढ़िया तरीके से इन्होंने ये प्लेट सजा दी है पूरी की पूरी। और वेज वाली कितने की है? वेज 40। वेज 40 की है, जबरदस्त। आपकी लोकेशन बता दीजिए प्लीज। ये 7 फीस मोहाली खादी इंडिया के सामने जी। और टाइमिंग आपकी? 6 to 10। 6 to 10, बहुत बढ़िया। और प्राइसेस यहाँ पे 40 रुपीज से शुरू हो जाते हैं। आप भी भाई साहब यहाँ पे आके ट्राई करो, आप बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है। तो भाई साहब ये आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो ये देखो ये 4 तरीके की चटनी है, टमाटर वाली, पीनट्स वाली, मेयोनीज और केचप। और भाई ये इधर देखो मोमोज, ये मोमोज देख के पता चल रहा है फैक्ट्री वाले नहीं है, साइज बड़ा है, और ये थोड़ा सा मतलब जैसे मशीन वाले नहीं लग रहे, हाथ से बनाए हुए लग रहे हैं। सबके सब मोमोज जो है इन्होंने इन हाउस बनाए हैं। हम क्या करते हैं ना यहाँ से इधर से डिप करते हैं इस सॉस के अंदर, एंड हियर इज अ बाइट। एकदम कमाल के मोमोज हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो है फ्रेश है। चटनियों का मज़ा है भाई साहब, असली सारे पैसे जो है ना वो चटनियों के हैं। और यहाँ पे आके जब आप ट्राई करोगे ना आप भी यही बोलोगे कि भाई वाकई में बहुत जगह पे मोमोज मिलते हैं और वो फैक्ट्री वाले होते हैं। ये इन्होंने जो बनाए हैं ये थोड़े स्पेशल वाले हैं। जब आप आके यहाँ पे ट्राई करोगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कर लिए हैं तो भाई साहब कमेंट अभी कर दो। बहुत मज़ेदार है, ज़बरदस्त है, ट्राई करो, हम आगे चलते हैं। पाजी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल पाजी, क्या हाल चाल है पाजी? पाजी पंजाब का जो फर्स्ट कपल जो वायरल हुआ था, या मेरे हिसाब से पूरे इंडिया का फर्स्ट कपल जो वायरल हुआ था वो आप ही हैं। मतलब भाई साहब आपने एक ट्रेंड शुरू कर दिया। आपकी दुआ है पाजी। पाजी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी वो वाली वीडियो, तो मुझे लग रहा है यूट्यूब पे उस जमाने में जब 4G चलता था उस जमाने में आपकी वीडियो जो है वो शायद 30-40 लाख व्यूज पे है ना? नहीं, मिलियन होगी थी आपके वाली। नहीं पाजी, 30-40 लाख तो 3-4 मिलियन हो गए। हां 3-4 मिलियन, सॉरी। हां जी हां जी पाजी,
यू आर बीइंग वेरी हंबल पाजी। मैं मिलियन से गल कर रहा हूं, लाखे जा। पाजी अभी बताओ क्या क्या होता है आजकल यहाँ पे और क्या फेमस है अपना जो नई ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है। सर अपने को जेडी स्पेशलता है ये चांप जी, मलाई मसाला अफगानी। पाजी चांप तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आपने लिटरली पहाड़ बनाया हुआ है चांप का। पाजी कस्टमर की डिमांड है तो पहाड़ तो बनाना ही पड़ेगा। जी जी जी। तो अपने पास मलाई है, मसाला है, अफगानी, लेमन, गार्लिक अचारी, चटपटी, नेटी का, रुमाली रोटी और मोमोज भी है, तंदूरी भी है और स्टीम भी है, ग्रेवी भी है, सारी आइटम अवेलेबल। पाजी मतलब सारी की सारी आइटम है। फिलहाल कौन सी बना रहे हो? पाजी ये मसाला चाप है। ये है जी मसाला चाप, और इसमें क्या क्या डाला है पाजी, एक फ्रेश बना के दिखाओगे? प्याज डाल के सारा कुछ, चटनियां वटनियां डाल के पूरा मुंह में पानी आ जाए। डालो पाजी फिर दिखाओ। ये तो वैसे ही मुंह में पानी ला रही है, पर मैं चाहता हूँ ऑडियंस जो है ना वो एकदम जैसे कहते हैं ना कि पहला स्टेप जो है वहां से जाने के कैसे आप चांप बनाते हैं और स्वाद कैसे लाते हैं, दिखाइए पाजी एक बार। ये साथ में देखो फ्रेश क्रीम के डिब्बे साथ ही पड़े, ये भी गर्म होते होते मेल्ट होते रहते हैं। थोड़ा सा ना हो जाता है क्योंकि क्रीम अगर बीच में डाले ना थोड़ी टाइट होती है, तो फिर उसके लिए थोड़ी पतली हो जाती है, तो डाल देते हैं। क्या बात है, उसकी हीट का आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, क्या बात है, जबरदस्त। पाजी एक चीज बताऊँ, सर्दियों में तो बड़ा मजा आता है आपके पास खड़े होके, गर्मियों में थोड़ा मन कर रहा है कि दूर से ही बात करें, बहुत मजा आ रहा है। जबरदस्त, यहाँ पे तो बंदे मैरिनेट करके आप खड़े कर सकते हो, दूर से वो अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे। अच्छा पाजी दिखाओ एक बड़ा जो फ्रेश बोल बना के। मैं अभी आपको अंदर जाता हूँ, मैं आपको बाउल बना के दिखाता हूँ। आइए सर, मैं भी आपके साथ अंदर आता हूँ आपकी परमिशन से। ऐसा बहुत ही जबरदस्त इनका सेटअप है यहाँ पे और सब कुछ एकदम साफ सुथरा है। और मैं देख रहा हूँ मैम्स तो यहाँ पे काफी है, बट भाभी जी कहाँ है? पाजी मैडम घर ने बेटा होया जी। अरे वाह क्या बात है पाजी, मुबारक हो थोनू बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। सो जो कपल है वो तो फैमिली बन गया, HUF अकाउंट हो गया। जी जी। जबरदस्त। ये देखो भाई ये चांप को काट के पाजी, अभी ये भी बहुत बढ़िया चीज है, ये जो आप कैंची से काट रहे हो ना, हाइजीन के हिसाब से ये भी बहुत गुड है। और ये सफाई दे सकते हो पाजी, एकदम साफ सुथरा सेटअप है सारा का सारा। और इतनी सारी चांपे आप इकट्ठे बना रहे हो घर पे पाजी, मैं अगर अंडे की भुर्जी भी बनाता हूँ ना उसमें भी पूरा गंद पड़ जाता है, ये कैसे आप मतलब साफ सुथरा रखते हैं? मैनेज करना पड़ता है इसको ना। मुझे याद है पाजी शायद हम 3 साल पहले मिले थे। जी जी जी, आप 3 साल पहले आए थे। जी 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 जी। और पाजी इतना बढ़िया वो वीडियो वायरल गई थी, मजा आ गया था। ये आपने क्या क्या डाला पाजी? पाजी ये मसाला है जी, ठीक है, ये ओरेगानो, ये हमारी चटनी है। अच्छा ये चटनी प्याज की है? हाँ जी। इसका रंग देखो लाल प्याज पंजाब वाला दिख रहा है, दिखाइए पाजी एक बार चटनी दिखाना ही वाली। ये देखो भाई ये प्याज की चटनी बना के रखी है, एक तरह से प्याज का आप बोल लो प्योरे होगी या प्याज का जूस निकाल के रखा हुआ है। और इधर जी यहाँ देखो प्याज दिल अच्छे भी आ गए, क्या बात है, फ्रेश लच्छे, फ्रेश प्याज, फ्रेश लच्छे और भाई साहब फ्रेश चांप, और इसके साथ ही अच्छे से मिक्स 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 करके। और पाजी अभी क्या करोगे इसको? ये बारबेक्यू तो जाएगी रेडी होना, दिखाइए सर। इधर देखो भाई साहब एक ऐसी रेडी हो चुकी है और अब ये जा रही है बारबेक्यू के ऊपर रेडी होने के लिए। ये ऑर्डर जाएगा, फिर दोबारा आएगा। अच्छा अच्छा, मतलब टर्न बाय टर्न है, मतलब पहले उसकी बारी आएगी, फिर इसकी बारी आएगी, फिर मेरी बारी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, डन है, डन है भाजी। अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें मक्खन आप डाल चुके हो और इसमें डालना है अभी? नहीं, मक्खन सर ड्राई वाली जाएगा। अच्छा क्रीमी गानी। अच्छा मलाई, एक मिनट, ये कौन सी मलाई है? जी ये अफगानी है। अच्छा और ये कौन सी है? ये मसाला है। एक मिनट, ड्राई ऑप्शन है, मसाला है लेमन, गार्लिक अचारी, चटपटी। जी जी जी, ये ऑप्शन ड्राई ने जिन्हें अंदर बटर पैंदा है जी। अच्छा मतलब ये बटर वाली है। और पाजी ग्रेवी चांप भी है? ग्रेवी है पाजी। वो कैसे बनाते हैं ग्रेवी पाजी? अपने टमाटर दी है, प्याज। अच्छा, और वो यहीं पे बनाते हैं जी पाजी? लोकी बनाते हैं सर, उनके ते गैस ते साड़ी चूल्हे दी है, मतलब कोयले। अरे वाह क्या बात है, धीमी आंच पे और एकदम सेफ तरीके से कुक करते हो। पुराने टाइम से चलती होंगी थी चूल्हे ते, सर साड़ी उनके अकॉर्डिंग ही चलती है। पाजी पुराने टाइम की गल कर देने, मैंने पुराना टाइम याद आ जाता, सब तो पुराने तो तुसी हो कपला च, तुहाडी दुआवां तुसी वायरल कीता। नहीं नहीं पाजी, असीं तां चलो असीं तां सिर्फ प्यार कीता, काफी वायरल बाबा जी ने। आप हम ट्राई करते हैं, देखो क्रीमा, ओ देखो पाजी यार क्रीमा क्रूमा पाके दिखाओ यार, इतना असली सामने कोई है नहीं पाजी। फूड ब्लॉगिंग का ग्लैमर तो पाजी यही है, दिखाओ थोड़ा सा, ये देखो भाई, ये देखो भाई साहब असली ग्लैमर वाले शॉट्स तो ये है। वाह जी वाह क्या बात है, इंस्टाग्राम पे दूसरे तरीके का ग्लैमर है और एक फूड ब्लॉगर वाला अलग है, कस्टमर को चली जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त भाई, ताड़ुआ तो नहीं साड़ दी? नहीं 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 भाई, मेरा नाम सबको वधी है। जी जी जी, आपा चीज ये मेरी बनाने जेडी कस्टमर वास्ते आई जाने करवे वधी है, बहुत वधी, आपा वही चीज बनानी है भाई। इस पे थोड़ा सा वो एक शॉट देना ग्लैमर वाला, इसमें डालो थोड़ी सी क्रीम, ये देखो भाई ये लो, वाह ये शॉट, ओए होए होए क्या बात है, क्या बात है भाजी, जेडे कस्टमर ने खानी है, जे जिम वाला होया ना मेनू गाला कटूगा। नहीं ओना वास्ते स्पेशल चांप है, डाइट चांप है साडे को, डाइट चांप भी है, डाइट चांप है स्पेशल। क्या बात है भाजी, वो कैसे बनाते हो? एंडे ते कोयले ते ग्रिल करके ना, बटर लगना है उनते जी जी जी, सिर्फ रोस्ट होनी है जी, कटिंग जी,
और पाजी अब देखो बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया, वो आना चाहते हैं आपके पास, तो लोकेशन क्या है आपकी? साड़ी जड़ी साड़ी एस्टम लोकेशन है मोहाली 7 फेस ऑपोजिट फ्लावर मार्केट है गुरु कृपा चाप दे नाम जी। पाजी ओरिजिनल अड्डे दे वापस आ गए हो पाजी, देखो प्यार ही ना ओरिजिनल अड्डे दा ते उथे रहना ही पेगा जी 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 जी। और रब दी बख्शिश होई है वे तुसी वापस आ गए उथे, बिल्कुल पाजी बहुत वधिया। पाजी पाजी टाइमिंग्स भी बता दो अपनी। मेरी जड़ी हुण गर्मी दी टाइमिंग आपां चेंज कीती होई है 5 तो 11 है पाजी। 5 तो 11 हां जी, पहले शाम दे के सवेर दे? नहीं नहीं पाजी, निर्णय काल दी खोणी बंद कीती है, निर्णय काल दी शरदई प्या दी है। बहुत वधिया। और प्राइसेस कितने से शुरू हो जाते हैं पाजी? 90 हाफ है सारे पोर्शन, मलाई अफगानी सारे जिन्ने ओ पोर्शन है 90 हाफ है जी। ते जेडी फुल वाली है मलाई ते अफगानी 180 है, ते बाकी ड्राई वाली 170 है जी। अच्छा, और ग्रेवी वाली? ग्रेवी वाली 240 हाफ। बहुत बढ़िया बाजी, उसके साथ नान देते हो क्या देते हो? रुमाली रोटी है सर। रुमाली रोटी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच बाजी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। स्टाम्प लगाओ बाजी, हमारी प्लेट लगाओ, वो कहाँ पे है? अच्छा, अब ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा। सबसे पहले तो ये देखो लोडेड चाप है एकदम अच्छे से, इसके साथ ये पुदीने की चटनी, और भाई साहब इसी के अंदर प्याज और मसाले और बहुत कुछ है। एक सेकंड रुको, ये चाप का ना बढ़िया सा पीस जो है वो एक आ जाए। ये देखो भाई साहब, हियर इज अ बाइट। सबसे पुराना जो कपल है जो वायरल हुआ, इन्होंने ये कपल्स का जो जॉनर है फूड ब्लॉगिंग में वो यही है। बट भाई साहब सिर्फ वही बात नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में जो चाम का स्वाद है वो इतना ज़्यादा कमाल है, अगर आप यहाँ पे आके ट्राई करते हो आप एक्चुअल में बोलोगे कि भाई साहब वाकई ये जो कपल है ये वायरल होना डिज़र्व करते हैं। बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी नहीं करते भाई, गलत मत लेना, ये वाला जो कपल है इनके यहाँ पे जो स्वाद है जो जायका है वो एक नंबर है। यहाँ पे आप कोई भी चाप ले लो, चाहे मसाला चाप चाहे मलाई वाली चाप, आपको एक्चुअल में बहुत बढ़िया लगेगी। बहुत स्वाद है, बहुत ज़बरदस्त है इनके यहाँ की मलाई चाप, और साथ में रुमाली रोटी आप ट्राई करना। आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार।